हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस समय के हो रहे हैं सवा 6 बजे। आई होप आप भी सब बढ़िया होंगे। मेरे वैसे भी आज सुबह से हम घर पे थे और आज पढ़ाई वढ़ाई करी, थोड़ी सी गेम खेली, तो इस समय दोस्त का फोन आया तो हम फाइनली आए बाहर। अब हम थोड़ा देखते कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, क्योंकि समझ तो कुछ आ नहीं रहा। बस हम गाइज इस समय हम जा रहे हैं पार्क, क्योंकि आज सुबह जिम भी नहीं गए और फिर हमने चाय भी पी, पूरा दिन घर पे रहे, पढ़ाई वढ़ाई करी, बैठे, मतलब आज हेल्दी लाइफ जी है, तो इसलिए इस समय हम जा रहे हैं पार्क, क्योंकि शाम का समय है, हरियाली अच्छी होगी, ठंडक होगी। वैसे भी बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है, हम कभी गए नहीं, तो बाइक का भी टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैंने बातचीत करी, भाई बोले चला पार्क चलते अशोक विहार वाले। तो फाइनली गाइस पहले हम निकले थे अशोक विहार जा रहे थे ऐसी पार्क में वॉक वॉक करने, हमें नहीं पता था कि हमें इतना दूर आना पड़ जाएगा ड्यू साइड, क्योंकि उधर हम जा रहे थे, हम हेलमेट तो पहन के नहीं आए थे पास समझ के। अब उधर खड़ी थी पुलिस, अब उनके सामने जाते तो चलान वालान कट जाता, तो इस चक्कर में हम आगे सीधा ड्यू की तरफ। अब हम जा रहे सुदामा चाय वाले की चाय पीने, वो बंदा रोड पे लगाता है साइड में, बट उसकी इतनी फेमस है सुदामा चाय वाले पे, पर आज है सुदामा की दुकान बंद, तो हम कंफ्यूज हो गए फाइनली हम कहाँ जाए। हमारा तो यहाँ पे आना पोपटी हो गया सही में गाइस, तो पंडित जी वाले पे चले वापिस। गाइस मैं तो इतना थक गया था कि मैंने भाई को ही बोल दिया आगे चला ले गाड़ी, थक भी गया। गाइस इस समय हम जा रहे पंडित जी पराठे वाले पे, और वहाँ का बहुत फेमस है पराठे, और बाकी चाय भी फेमस है। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं पंडित जी पराठे वाले पे इन अशोक विहार, और वैसे भी हम बड़े थक थक आ गए घूम फिर के, क्योंकि पुलिस वालों के चक्कर में लंबा रूट लेके अब हम इधर आए हैं। यहाँ पे आने से पहले हमने डिसाइड कर लिया था हम चलेंगे डियो सुदामा पे, पर सुदामा की तो आज दुकान ही बंद थी, तो अपना तो हो गया था पोपट, पर फाइनली हमें कहीं तो जाना था, भूख भी इतनी लग रही थी। अब हम आए पंडित जी पराठे वाले पे। हेलो भैया कैसे हो आप, बेस्ट आइटम कौन सी आपकी सर? बेस्ट सारी बेस्ट है। गाइस वैसे भी बड़े लॉन्ग टाइम के बाद मैं ये खा रहा हूँ, क्योंकि मैं था डाइट पे, और वैसे भी आज डाइट टूटी गई, आज भी कल कचौड़ी खाई आज पराठे खा रहे हैं, डाइट तो टूटती जा रही है हमारी, पर मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। वैसे भी यहाँ के तो पराठे वैसे भी टेस्टी होते, इतना गर्म है वैसे तो तोड़ा भी नहीं जा रहा अभी। गाइस मजा आ गया तो मक्खन के साथ ही, बहुत अच्छा लगा खा के, टेस्टी भी था, चाय भी अच्छी थी। एक बार अपना एड्रेस बता दो। नंबर 3 बिल्डिंग नंबर 10 कम्युनिटी सेंटर नियर सत्यवती कॉलेज अशोक विहार फर्स्ट। गाइस जब भी अशोक विहार आओ एक बार यहाँ पे पराठे पक्का खा के जाना, बहुत टेस्टी है यहाँ के। ओके भाई थैंक यू, मजा आया आपसे मिलके। फाइनली गाइस हमने पराठे खा लिया और चाय पी लिया, और टेस्टी तो बहुत थी, पर अब हम घर पे जाके, वैसे मेरा तो पेट फुल भर गया, पर घर पे जाके भी खाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ने बनाई है कढ़ाई पनीर। गाइस आज का दिन तो पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, आज तो हमारा हर जगह पोपट ही हो रहा है। पहले हम इधर आ रहे थे पुलिस वाले मिल गए, सुदामा पे गए तो सुदामा बंद पड़ा, अब इधर आए तो आज हमारा ध्यान से डर गया कि फ्यूल कम है, और अब फाइनली हमारा हो चुका फ्यूल खत्म। अब आसपास देखो कहीं पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा, और अटक गए अब हम बीच में अटक गए, अब कोई सब्सक्राइबर भी नहीं दिख रहा जो हमारी हेल्प कर दे, अब हमें खींच के लेके जानी पड़ेगी गाड़ी, सो सैड। थोड़ा चलो अब, वैसे भी फाइनली गाइस हम लेट हो रहे थे, ऊपर से और लेट हो गए, मैं तो सोच रहा हूँ दो मार रखियो को बांध दूं आगे। बंदे गए भाई, बंदे गए, बनना नहीं चाहते। फाइनली किस्मत इतनी गंदी थी, पेट्रोल डलवाना भूल गए हम। 5-7 मिनट वॉक करो, और इस समय हो रहे 7:30, मम्मी का ऑलरेडी फोन हो चुका कि बेटा कब आएगा, और हम लेट हो रहे हैं, इन भाई की फैमिली को तो लेके जाना है गुरुद्वारे, तो भाई भी लेट हो रहे हैं। आज तो सही में पेपर दिन है, पता नहीं कैसा गया शाम का समय। तो भाई मिले हमारे को लात लगाने के लिए, थैंक यू भाई आप मिले, कैसे आप दोनों? भाई का शुक्रिया अदा करना गाइस कि भाई मिले। गाइस भाइयों ने हमारी हेल्प करी, पेट्रोल पंप तक पहुंचाया, हमारा तो पेट्रोल खत्म हो गया था, थैंक यू भाई।
आपका नाम? मनी मनी और आपका भाई? अच्छा भाइयों का शुक्रिया अदा हमारी हेल्प करने के लिए, वरना भाई का चैनल भाई जरूर फॉलो करना, बहुत बढ़िया भाई है, सब्सक्राइब भी जरूर करना और बेल आइकन बिल्कुल क्लिक कर देना। थैंक यू भाइयों, मिलते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं घर और जैसा आपको पता ही है बाहर कितने हम थक गए थे क्योंकि पेट्रोल भी हो गया था ख़त्म, पर दो भाई मिल गए थे जिन्होंने हमारी कर दी थी हेल्प और पराठे खा के तो मज़ा आ गया था, पर अभी तो भूख लग भी नहीं रही, पर मम्मी ने बनी है कढ़ाई पनीर तो उनकी खुशी के लिए खाना तो पड़ेगा, चाहे दो रोटी खाए पर खाना पड़ेगा। और कोशिश करेंगे कल से हम रहेंगे डाइट, क्योंकि आजकल डाइट बहुत टूट रही है गाइस जो हमें नहीं करनी है। चलो अब हम खाना खा के आ चुके गाइस और कढ़ाई पनीर थी बहुत टेस्टी, पेट तो वैसे फुल भर रहा था, फिर भी हमने मम्मी के लिए दो रोटी खाई और इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग पे और आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और नए हो तो गाइस बाय।